Afternoon class. So my name is Pooja. I am here to teach you mathematics. Today the topic is trigonometry. Topic only. Okay. So the first day we are going to start the important topic of our syllabus. Okay. So the topic is trigonometry, that is trigonometry. If you are from Pennsylvania, so this is trigonometry. We will मैडम start some theory about this. जी देखिए भूतनी जी Okay. हिलरी दिया दिया दाई जिस लाइन में दोनों एंगल्स बनते हैं दैट इज द है रेडियस, जी दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो इफ यू नीड टू फाइंड साइन थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा विल बी बेस ऑन हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और साइन थीटा बटा इनवर्स इज हाइपोटेन्यूज अपॉन कोसेकेंट थीटा, दैट इज एच ओवर पी. Here it is, secant theta points to one दिमाग base and cos theta नहीं is one. ठीक है, तो ऐसे थोड़ी सी पूरी करके ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे. जेड़े तो स्कूल नेड़े रहने सामने तो ही राइट एंगल ट्रायंगल दे यहां पे साइड गिवन है तो ऐसी हो रही है 6 डिग्री रेशियोस फाइंड कर सकते हैं, राइट. और पाइथागोरस थ्योरम भी अगर सानू यूज करनी पड़े तो सानू पाइथागोरस थ्योरम भी पता होनी चाहिए. फाइन. एंड यू नो आल्सो द टेबल ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री. उससे टी रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. दैट साइन 0 डिग्री इज 0 एंड साइन 90 डिग्री इज 1. तो दिस फर्दर मैं थाली मैडम सारा बोर्ड गए लंदन साइंस थाली भी पढ़ा के गई आने पर अद्धा बोर्ड ले आने से टेबल सिर्फ साइन दे टेबल तो वैल्यूज जज करिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. साइन 0 इज 0, दिस इज 1.1 अपॉन चार अंडर ही रूट 3 अपॉन 2, दिस इज 1. बेसिकली मैं तुम्हें ये पूछना चाहनी है कि अगर एंगल 0 to 90 डिग्री है देन आवर साइन थीटा इज इंक्रीजिंग 0 to 1 तक, यदि वैल्यू बढ़ रही है. ठीक है, सम एमसीक्यू से भी पूछा जा सकता है कि 0 to 90 डिग्री के बीच साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है. सो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है यदि मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम ये वैल्यू तो मैं कुछ है 1 सही बता एंड कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. रही हूँ सो साइन थीटा इंक्रीज कर रहे हैं एंड कॉस थीटा डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर है जी. फर्दर टैन थीटा अगर तुम देखिए टैन जीरो इज 0, 1/3 100 feet, this is 1, this is 100 feet, this is not. मैडम How आप many times या कई बुक्स में जो ठीक है, right? So tan theta value 0 degree तो लेट में infinity तक increase कर रही है. Is this okay? So the MCQ में जो पूछा जा सकता है sin theta is increasing from 0 to 1, cos theta is decreasing, cut रही है value from 1 to 0. tan theta is increasing from 0 to infinite. Similarly, you can check that secant theta, tan theta, and sorry, cot theta and cosecant theta. Inner the value increase कर decrease कर. Secant theta value is increasing. Cosecant theta is डिक्रीजिंग. कॉट थीटा इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तनु टेबल याद होएगा 6 6 वैल्यूज का. तो अब हम की कंक्लूड कर दैट साइन थीटा इज इंक्रीजिंग
एंड कोसेकेंट थीटा इज उधर का रेसिप्रोकल है दैट इज डिक्रीज क्योंकि कोसेकेंट उल्टा होता है ना साइन का कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग एंड सीकेंट थीटा इज इंक्रीजिंग टैन थीटा इज इंक्रीजिंग जीरो तो नेगेटिव वैल्यू बात रही है जीरो तो इंफिनिटी तक वैल्यू जा रही है वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड कॉस थीटा इज डिक्रीजिंग Is this fine to you? Yes, ma'am. Okay. If you want to note it down, you can note it down this one. Tables are in the other. So, see, you paper to take anything, you know the table. But take which values are there, which you know only. Even MCQs, there is some which you can ask. Minimum value of sine theta in 0 to 90 degree. Kinni undi hai? 0. Highest value of, largest value of cos theta is 1. It's okay. ठीक है, सो इधर ही एमसीक्यूज़ तो पूछे जा सकते हैं। फर्दर रस्टे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलास इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थर्ड टेन 90 माइनस थीटा विल बी cot theta and cot 90 minus theta will be tan theta. You must remember this. Then you must memorize it. Secant 90 minus theta will be cosecant theta and cosecant 90 minus theta is secant theta. Okay? So with the help of these formulas, you can convert sine into cos and cos into sine, tan into cot and cot into tan, secant into cosecant and cosecant into secant as per the requirement of question. Question the requirement के हिसाब से असि इन्हां नूं change कर सकते हैं ये formulas लगा के. Done. Further, कुछ identity भी तुसी कर के आए हो. That sin square theta plus cos square theta is 1. इन आइडेंटिटीज का सानू की फायदा होएगा, सेम आइडेंटिटी नु ता पूरा यूज कर ही सकने हैं. अगर सानू एक वैल्यू दिखती होएगी, मान लो सानू sin की वैल्यू दिखती है, तो असि इहदे च पुट करके cos की वैल्यू कर सकते. cos भी दिखती है, इहदे च पुट करके ते sin की वैल्यू कर सकते. ओके, फर्दर एक और आइडेंटिटी है अपने कोल, secant square theta minus tan square theta is थियरी पार्ट साडा मेन फोकस जेड़ा है वो एमसीक्यू से है. Let me start. Okay. First MCQ. First MCQ is if tan A is equals to cot B, then A plus B is equals to first part is 90 degree, 45 degree. 55 degree or none of these. So this is our first MCQ. Jump नहीं करना कभी भी conclusion पे, because mathematics से जिन्हें ने उसे solve नहीं किया, you cannot ही ये है कि सिनाल दस दिए कोई formula आ गया. मान लो मतलब ताडे कोल कोई एमसीक्यू आ गया कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज वन वन
2, 0, 3. You can jump. Is it just the formula? अब कर लो उसको बाद ही. इज दिस फाइन टू यू? ओके नाउ सो इनको कितना सॉल्व करना है. टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी. ठीक है, दो आइडेंटिटीज अगर बराबर है, इधर की साइड भी टेन है तो साथ इधर की साइड भी टेन आना चाहिए. ठीक है, सो हमने अपन कॉम्प्लीमेंटरी एंगल किए थे, इनू तुसी टेन 90 माइनस बी लिख सकते हो, क्योंकि आप आइडेंटिटी की गिनती है tan 90 माइनस बी. tan 90 माइनस थीटा किसे इक्वल होता है? cos. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos. सो cot b नो ऐसे की लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी. सो सिर्फ cot b नो चेंज करके की लिख देता tan 90 माइनस बी. This is fine. कितना की जगह पे कितना आया? B. So और A दोनों आपस के लिए equal. Tan अगर tan में equal it means A वाला angle 90 minus B दे equal आना चाहिए. So A is equals to 90 degree minus B. Minus B दूसरी साइड पे जाके इधर B plus B. So your answer will be 90 degree. डायरेक्ट फॉर्मूला दिता होम दस सकते हो कि दिस इज द आंसर. अदरवाइज टेक योर टाइम सॉल्व करो, उस तो बाद ही अपनी ऑप्शन टिक लगा. डन. ओके चले रब द फर्स्ट क्वेश्चन. Meanwhile, you can note down the solution. स्टार्ट. हाँ जी बच्चे, सो द सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो. सीकेंट 4a इज इक्वल्स टू कॉस सीकेंट a माइनस 20 डिग्री. डन. सो व्हाट विल वी डू? चेंज करांगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगावांगे, चाहे उधर लगा लो चाहे इधर ही साइड पे लगा लो. एनो तो सी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, बिकॉज कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज सेकेंट थीटा. राइट, सो इतने थीटा कितना है अपना? 4a. थीटा इज 4a. सो कोसेकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू सेकेंट 4a. Is it fine to you? Now this angle will be equals to this angle. 90 degree minus 4a is equals to a minus 20 degree. A वाली टर्म से इस साइड पे ले लेंगे. A plus 4a. This is 110 degree. 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. Correct. So what will be your answer? A is 22 degree. So what is the answer? None of these. Answer will be none of these. Full confusion. ठीक है बच्चे. सो कभी भी साडे कोल इदा दा इक्वेशन आ जाए, इथे x भी आ सकदा, तानू ए भी लगदा, x आ सकदा, थीटा आ सकदा,
सो तुसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाना है, जड़ी भी कंट्री अगर टैन है तो दूसरी साइड भी टैन बना लो, अगर कॉट है तो दोनों साइड से कॉट बना लो। इतने एक सीकेंट सी एक सीकेंट सी तो अस एक चेंज कर लो, तुसी चाहे ओनू चेंज कर लो, चाहे इनू सीकेंट चेंज कर लो, चाहे इनू चेंज कर लो, चेंज करके सेम बना लो टी रेशियो अपनी। उसके बाद एंगल्स आपस इक्वल हो जाएंगे, जब एंगल्स इक्वल होगी उस इक्वेशन को असि सॉल्व कर लेंगे। इज दिस फाइन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant theta minus cot theta square is equals to what? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta b part 1 minus cos theta 1 plus cos theta plus and here it is minus c part cos theta over 1 plus cos theta and d part is none of these. Okay, so cosecant theta minus cos theta whole square आपको solve करना है ना, so how will we do? Cosecant theta ना आपको की लिख सकते हैं, इधर reciprocal होता है वो secant, no cosecant theta is 1 minus sorry 1 upon sin theta, तो secant theta की होता है 1 upon sin theta एंड कॉट थीटा वन अपॉन टैन थीटा, ठीक है, या फिर वो लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है। साड़ी रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायरमेंट आंसर देखो कि कॉस से भी आंसर है, इस करके असि इनू साइन कॉस ले, कॉट नो वन ओवर टैन भी लिख सकते हैं, लेकिन सानू आंसर टैन च नहीं चाहिए, सो आप टैन च क्यों कन्वर्ट करना, सो असि टैन कॉट थीटा ने किस कन्वर्ट कर लिया कॉस थीटा ओवर ओके। तो नीचे एलसीएम स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर होगा, राइट। फर्दर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा देता है, साडे को एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कितनी आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप की करेंगे जी सानो आंसर तो साइन ही नहीं चाहिए देखो, सो अगर सानो साइन नहीं चाहिए तो हम साइन को भी कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, हां जी साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस, तो दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे बच्चे ऐसे फार्मूला लगाने जा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस b, एक टर्म ये ना की होगी कैंसिल, एक टर्म अगर कैंसिल होगी तो व्हाट इज द आंसर 1 माइनस cos थीटा l प्लस 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ओके। सो तुसी अपने क्वेश्चन नो उस हिसाब नाल कन्वर्ट कर लेना है जो ताडियां ऑप्शन से भी आंसर है, सानो ऑप्शन दे विच कॉस दे विच आंसर चाहिदा, तो इस करके असि ओनु कोसेकेंट और कॉट नु कन्वर्ट कर लिया, दिस इज 1 ओवर साइन दिस इज कॉस ओवर साइन, एलसीएम लो नीचे साइन स्क्वायर सीगा इट्स आइडेंटिटी टू असि ओनु 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, इथे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दा फार्मूला लगया a माइनस b a प्लस b, माइनस वाली टर्म हो गई कैंसिल और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल है जो मेरिटोरियस से एंट्रेंस टेस्ट से भी आए हुए हैं, ठीक है। सो तुम ऐसा दे क्वेश्चन एंट्रेंस बुक्स के थ्रू को मिलेंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, ओके। सो नोट इट डाउन,
हाँ जी बच्चे, एक क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट मेरे चाहिए है मैथ्स से। हाँ हाँ जी, सो साइन थीटा प्लस कोस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, एक गिवन है और असे यदि वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा प्लस कॉस फोर थीटा। ठीक है, सो तानू साइन नहीं चाहिए, असे इनू कन्वर्ट कर लांगे। साइन स्क्वायर थीटा नु इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज अपने को एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is 1। तो अगर ऐसे sin square theta की वैल्यू काट ली है 1 माइनस cos square theta, तो ऐसे फिलहाल हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, अच्छे उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस cos square theta। ओके, उन्हें वाला मान और ये वाला मान कैंसिल हो गया, या तो सीधा कह सकते हैं प्लस 1 है उधर जाके की हो जाएगा माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मिल गई 0, कोई तभी कह सकते हैं। तो दिस इज साइन थीटा, ये माइनस कॉस के थीटा उधर जाके प्लस प्लस कॉस के थीटा, है ना, आ गया। सानू देखो क्वेश्चन में विच कॉस की पावर 4 चाहिए है, तेरे को कॉस स्क्वायर आ रहा है, असि की करांगे स्क्वायरिंग, असि दोनों साइड से की कर देंगे स्क्वायरिंग, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इधर, और दूसरी साइड से कॉस की पावर कितनी बन जाएगी, फोर, इट विल बी कॉस पावर फोर। नाउ उन्हें फिर साइन स्क्वायर नहीं चाहिए था, साइन स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप क्या होएगा, फिर तो देखिए दो दो फाइंड करना, ए दो टर्म्स कटनिया चाहिए हमें, सो ये माइनस भी टर्म है उधर जाके प्लस भी हो, माइनस के काम उधर जाके की हो जाएगी प्लस बी, तो आंसर विल बी वन वन डी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन सीखा, क्योंकि इको आइडेंटिटी दो बार यूज हो रही है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री वाली आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू वन, एक ट्वाइस यूज हो रहे हैं, पहला साइंस के सिगा से ओनू कन्वर्ट कर लिया, उस तो बाद की किता स्क्वेयरिंग, जदों से स्क्वेयरिंग की थी फिर साइंस के आ गया, और असे इस साइंस के रूप में कन्वर्ट कर देता वन माइनस कॉस के। ओके, चलेगा बेट, ठीक है कर ले नोट डाउन। तो भी नाम ना ट्राई कर सकते हो, वंस आई राइट द एमसीक्यूज तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए किसी मैम तो पहला करके देखिए, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सो तुसी ओनु सॉल्व करो। साइन थीटा इज क्वेश्चन इज लास्ट ईयर द क्वेश्चन है ये, इफ साइन थीटा इज m upon n and under root m square minus m square is 1, find tan theta। ठीक है, tan theta फाइंड आउट करना है, ऑप्शंस आर n upon m, b is m, c is n and d is m square upon n। तो साइन थीटा इज एम अपॉन एम,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ p upon h p upon h this is your m and this is your n ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ tan theta ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ tan theta ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ that hypotenuse square is equal to in what we learn in here m square plus b square is this okay so m square minus m square is equal to b the b di value kitni aa gayi n okay bachche ye tade kol base aa gaya and what is the formula of tan theta b upon b And where is P? P is M. M. And B is what? Under root N, N square N minus N square. So what is the answer? No. A, B, C or D? B. B. Why? Because any value that you can push it simply over here. See this. ठीक है अगर इतने नाल none of these होंडा तो उसे पटापट none of these लगा देना सर ठीक है तो जितने तुम प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन इजीली तो निकल जाएंगे द थिंग इज तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए फॉर्मूले टिप्स से होने चाहिए है टेबल क्लियर होना चाहिए ठीक है उसके बाद एमसीक्यू ट्राई कर सकते ओके Next question. Sine A plus B is equals to sine A plus sine B. It is true, false. Cannot say or not. Sin A plus B is equals to sin A plus sin. हाँ जी बच्चे साइन ए प्लस बी जो इधर कुछ सम आ जाते हैं तो तुसी इन्हें एग्जांपल ना सॉल्व कर सकते हो तुसी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो देखो ये अंदर ए और बी दोनों एंगल्स ने ठीक है तुसी कोई भी एंगल ले लो मान लो सानू टेबल शो सी अब अगर आप एंगल्स पिक कर लिए तो सानू 0 डिग्री की वैल्यू 30 45 60 90 ये पांच वैल्यूज सानू 10th तक पता होंगे सो अगर आप फॉर एग्जांपल ए नो से 30 डिग्री ले लिए और बी नो 60 डिग्री ले लिए और असि देखिए कि यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स सो दिस इज 30 प्लस 60 डिग्री दिस इज साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज ऑलवेज 1 सो अपनी लेफ्ट हैंड साइड का आ गई 1 ठीक है दूसरी साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे दिस इज साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज One. 1 upon 2 sin 60 degree is under root 3 upon Hanji. So both are not equal. This statement is false. Sin A plus B is the angle. It was the other sin A no or sin B. We result. So the bar 2 x plus 5 will be the same as the gap. This is 2 x plus 2. Okay, it's a number. Okay. ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਆਪਣੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ
एनू असी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि असी ए नू भी दे दिता और बी नू भी दे दिता. नो दिस इज रॉन्ग. नंबर्स नू असी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते, ब्रैकेट खोल सकते, एडी ब्रैकेट नू असी नहीं खोल सकते. इज इट ओके? ए जेड़ा क्वेश्चन है ताडे नवा क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. ट्रू है या फॉल्स? सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज साइन इज द फंक्शन और फंक्शन नू असी इदा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. फाइन. Meanwhile, just note down karo. I'll write the next question. Next question, sin theta is equals to cos theta. For theta is equals to first option A is 0 degree. 0 degree nahi ho sakta because so we put karange sin 0 degree is 0 and cos 0 degree is 1. So ye dono equal nahi ho sakte. All values of theta ye dono equal honde hai. Tables dekho. No. Sin theta and cos theta ka jo se table dekhne hai to ikko hi value hai. Dono equal honde hai. That is 45 degree. So from table to see देख सकते हो that sine theta is equals to cos theta when theta is equals to pi by 4 is 45 degree. You know the pi is 180 degree. So pi by 4 is 45 degree. Done. ठीक है. So ये question direct देख के हो सकता है. हो गया नोट डाउन. Try this one. Sin 30 degree plus cos 60 degree minus sin 60 plus cos 30. ठीक है. कोई formula नहीं लगाना, सिर्फ table की values ऐसे pick करनी है. Sin 30 degree is brackets का ध्यान रखना है. Sin 30 degree is 1/2. Cos 60 degree is 1/2. Sin 60 is under root 3/2 and cos 30 is under root 3/2. So half plus half will be 1. Under root 3/2, under root 3/2 two times aa gaya. So this is 3/2. 2 times under root 3/2. 2 and 2 will be so 1 minus under root 3. So option will be 2. Option will be none of these. Okay. Next question. Sin
sine 90 minus a and cos a are different. B part is same. C cannot say, or D part is none of these. Sine 90 degree minus A and cos A. A two values different hai, same hai. Nahi da sakde asi ya inna cho koi option. Same. Why? Because the complementary angles are formulas. Asi ki kita sikha sine 90 minus theta is equals to cos A. Cos theta. So is question de vich kuch bhi solve karan di zarurat nahi, tusi direct answer da sakde ho ki both are same. Done. Further. Sine 2 is equals to 2 sine A is true when A is 0 degree, 45 degree, 30 degree, and 90 degree. 0 degree. You can't put it. Left side is 0, put it 0. And right side is sine 0 will be, and sine 0 will be 0. So it is equal. Okay? कोई और ऑप्शन अगर तुसे पुट करके देखोगे मान लो तुसे यहां पुट करके देख लो 45 डिग्री पुट करके देख लो 2 into 45 डिग्री आ जाएगा लेफ्ट साइड 2 into 45 डिग्री मींस 90 डिग्री मींस sin 90 विल बी 1 राइट हैंड साइड पुट करोगे अगर 2 sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री इज 1 बाय अंडर रूट 2 तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे इसी तरह तुम कोई भी ऑप्शन पुट करके देख सकते हो जब तुम पुट करोगे यू विल गेट टू नो कि आंसर जड़ा आएगा दैट विल बी 0 डिग्री ओके ये भी क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आया हुआ है ठीक है Further. Triangle ABC is a right angle triangle at C. Then cos A plus B is equals to 12. 0, 1, 1 by root 2, B is none. Okay? Anji, triangle ABC is a right angle triangle at C. Right angle at C. Here it is C. Okay? Sum of angles of a triangle is? 180 and C is 90 degree. So A plus B kinna bach gaya 90 ho jayega minus ho jayega tumhare paas total ki reh jayega 90 degree kidi value puchhi hai jidi value puchhi hove cos ki puchhi hove chahe tan ki puchhi hove ek baar sanu ki value pata lag gayi A plus C sade kol 90 degree hai तो cos a plus b means of cos 90 degree पूछ रहे हैं and cos 90 degree is 0 so a is your answer okay
क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, उन्हें ग्राफिकली देख ले रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि 90 डिग्री है, तो इन दोनों का प्लस भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, दोनों का प्लस 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री पूछे गए हैं, cos 90 डिग्री विल बी 0, ओके, कोई कंफ्यूजन? Shall I rub it? Yes. This question is tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, up to tan 89 degree is equals to first option is 0, 1, 2, none of these. Okay? What is a different question? Chicken? Reset. This is your tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree. ठीक है, और लास्ट में जाके दी है tan 89 डिग्री, और उसको पहला क्यों होएगा tan 88 डिग्री, और विच को जाके tan 45 डिग्री होएगा, ओके, सो सी मैंने वैल्यू बढ़नी है, साडे को वैल्यू है ही, साडे टेबल तो सानू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यू दसदा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की वैल्यू दसदा है, ठीक है, सो इसको किदा सॉल्व करना है, दिस इज योर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45, ठीक है, चलो इधर भी लिख लेते हैं, tan 44 होएगा, इधर इधर 44 होएगा, और इधर क्यों होएगा 46, ये भी वैल्यू लिख लो ताकि तुसे थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, अपन tan 44 भी लिख लेते हैं और 46 भी लिख लेते हैं, इस 46 डिग्री नो तो सी कन्वर्ट कर सकते हो इतना tan 90 माइनस 44, देखो 46 नो ब्रेक करना है, 46 नो कोई भी नंबर है, 46 इन्हें तो सी 90 माइनस 44 लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं ना आपका, ठीक है, सो 88 डिग्री नो की लिख सकते हो 90 माइनस 2 डिग्री, और 89 नो की लिख सकते हो 90 माइनस 10 90 माइनस 1 इज द साइन टू यू नाउ असली आवाज सारे केस चेंज कर रहे हैं उसको अगली वाली टर्म चेंज कर रहे हैं tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री हियर इज 44 tan 45 ऑन द सो कॉम्प्लीमेंट्री वाले फार्मूला लगा रहे हैं असली tan 90 माइनस थीटा कितना होता है tan 90 minus theta is cot theta. So tan 90 minus 44 kina bansa? Cot 44. Is this okay? Or tan 90 minus 2 degree ki banjega? Cot 2 degree. Tan 90 minus 1 degree ki banjega? Cot 1 degree. Done bache? Now, tan 1 degree, tan 2, tan 3, tan 44, tan 45, हाँ जी, cot 44, दूसरी 1 over tan 44 लिख सकते हो, cot 40, cot theta की होता है, tan का reciprocal, 1 over tan 44, इन्हें दूसरी के लिए सकते हो, 1 over tan 2 degree, 1 over tan 1 degree, done, कौन होया कि सारा कुछ multiplication पे है, tan 1 degree इधर नीचे वाले tan 1 degree नाल कैंसिल tan 2 degree इस tan 2 degree नाल कैंसिल जरा tan 3 होएगा वो इतने टर्म बनेगी 1 by tan 3 degree ओदे नाल की हो जाएगा tan इस तरह ये कैंसिल होंदे होंदे tan 44 degree आ tan 44 degree will be what will be left
tan 45 and tan 45 degree will be 1. Your option is 1. 1, that is B option. ठीक है. So, साड़ी को 1 to 89 terms देंगे हैं. अगर midpoint साड़ी को लिखे 45 ऐसे middle को term बन रही है. इसलिए जिधर value सानू पता होंगे. सिर्फ सानू tan 45 ही पता है. तो असली 45 तो इधर आगे terms नो change नहीं. इतना 45 तो next साल के terms नो change कर दो. Complementary तो formula जिधर लगाया तो cot चिकन काट हो गया. cot के अंदर उन्हें 1 over tan से लिख दो. प्रैक्टिस कर सकते हो. ट्रिग्नोमेट्री होर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंट्रेंस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, so we are going to wrap this. इतना related तड़ी कोई query है, तड़ा कोई question है, you can ask. इन्हें note down कर लो, ठीक है? कोई question है, तड़ा कोई doubt है, तो उससे पूछ सकते हैं. एंड इफ देयर इज नो क्वेश्चन फिर हम एक दो क्वेश्चन कर ली दे देते. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस एट होम. विल यू? यस सर. मैं रॉबर्ट. cos alpha plus beta is equals to 0, then sin alpha minus beta की value निकाल ली है. options given है cos theta, cos 2 beta, sin alpha और none of these. okay, cos 9a is equals to sin a, 9a is less than 90 degree, then tan pi a की value निकालनी है. ये जो condition है इसलिए दी हुई है क्योंकि जब complementary angles वाले formula होंगे हैं, वो formulas असली 90 degree तो cut angles वाले पे ही लगाने हैं. ठीक है, जो तो सिर्फ tan का भी chapter पीता होएगा तो काम दस्या गया होएगा कि cos 90 minus a is equals to sin a, तो वो apply करना है when your a is less than 90 degree. ठीक है, तो a condition से ना उतरी लेती हुई है, तो ये दो questions try कर सकते हो.
मोरओवर तुसी फर्दर नेट तो भी डाउनलोड करके कुछ होर क्वेश्चंस भी इस चैप्टर दे प्रैक्टिस कर सकते। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन और क्वेरी इन योर माइंड, यू कैन आस्क, उसे पूछ सकते। ओके ओके रजत, थैंक यू सो मच।